शनि यानी कि सैटर्न ज्योतिष का एक अद्भुत ग्रह है जो देने पर आए तो राजा बना दे। बिना मजबूत शनि के कोई भी नेता नहीं बन सकता, कोई भी राजनेता नहीं बन सकता, कोई भी अभिनेता नहीं बन सकता, एक्टर नहीं बन सकता, पॉलिटिशियन नहीं बन सकता, और बिना मजबूत शनि के कोई भी व्यक्ति अमीर नहीं बन सकता, बड़ा बिजनेसमैन नहीं बन सकता, और बिना मजबूत शनि के आपका व्यापार नहीं चलेगा, बिना मजबूत शनि के आपकी नौकरी भी अच्छी नहीं चलेगी, और बिना मजबूत शनि के आप टॉप पर नहीं पहुंच सकते। यही शनि अगर खराब हो जाए तो सब कुछ छीन लेता है, और कुंडली में अगर शुभ शनि हो तो बहुत 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 तरक्की दे देता है। शनि अपनी राशि कुंभ, मकर या उच्च राशि तुला में हो तो शश नामक पंच महापुरुष योग बनाते हैं, और जितने भी बड़े बड़े नाम आप सुनते हैं, चाहे वो अंबानी हो, चाहे वो अदानी हो, चाहे वो बिल गेट्स हो, चाहे वो विप्रो के मालिक अजीम प्रेम जी हो, इन सब का शनि बहुत मजबूत है। और इस दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा रिफाइनरी यानी ऑयल इंडस्ट्री में है, तो शनि जिसका भी मजबूत होता है वो ऑयल इंडस्ट्री में खूब नाम कमाता है। इसलिए अरब देश वालों का सबका शनि मजबूत है, इसलिए वो राज करते हैं। शनि 15 नवंबर को मार्गी होंगे तो क्या होगा? शनि अपनी स्वराशि कुंभ में इस समय गोचर कर रहे हैं, और शनि आपको क्या परिणाम देंगे ये हम जानेंगे, और ये जानकारी चंद्र राशि पर आधारित होगी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और अगर आप भी चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली को मजबूत बनवाना, आप भी ये चाहते हैं कि आगे आने वाले दिनों में क्या क्या होने वाला है, और अगर आप ये भी जानना चाहते हैं कि आपका जो जीवन है वो कैसे बहुत अच्छा हो सकता है, तो अपनी अपॉइंटमेंट अभी बुक कराइए। स्क्रीन पर आपके सामने है ये मेरा नंबर, और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करने के लिए अभी फोन करिए। तो चलिए बात करते हैं शनि के मार्गी होते ही आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में नौ ग्रह मजबूत नहीं हैं तो आप चाहे जितनी वीडियो देख लें, आप चाहे जितने उपाय कर लें, अपनी मन मर्जी से जो करना है वो कर लें, आपको शुभ परिणाम नहीं मिलेंगे, या मिलेंगे तो उतने नहीं मिलेंगे जितने आपको चाहिए। जन्म कुंडली में बैठा हुआ हर एक ग्रह मजबूत होना चाहिए। जैसे आपके शरीर का अगर एक भी अंग कमजोर हो जाए तो आप अपंग हो जाते हैं, यानी विकलांग हो जाते हैं, वैसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली में बैठा हुआ एक भी ग्रह कमजोर है तो आपकी कुंडली भी विकलांग हो जाएगी, दिव्यांग हो जाएगी, यानी कि वो शुभ फल देने वाली नहीं होगी। शुभ फलों के लिए संघर्ष करना पड़ेगा। एक व्यक्ति जिसकी टांग में कोई चोट लगी हुई है, वो व्यक्ति खुद अपने पैरों पर नहीं चल सकता, उसको या तो व्हीलचेयर चाहिए, या तो बैसाखी चाहिए, या दो लोगों का साथ चाहिए। ऐसे ही अगर आपकी जन्म कुंडली में कोई भी एक या एक से ज्यादा ग्रह कमजोर है तो बिना उपाय किए, बिना जन्म कुंडली की जांच कराए आपको सफलता नहीं मिलेगी। मेरा नाम है एस्ट्रोलॉजर सचिन पंडित, और मैं आपकी कमजोर कुंडली के हर एक ग्रह को मजबूत करने की रेमेडी और उपाय आपको बताऊंगा। आपको बस एक काम करना है, नीचे दिए गए नंबर पर फोन करना है और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करानी है। यकीन मानिए, बिना जन्म कुंडली को सही किए आप सुखी नहीं हो सकते हैं। आपकी सारी कोशिशें या तो बेकार जाएंगी, या आपकी कोशिशों का रिजल्ट आपको ना के बराबर मिलेगा। तो अभी फोन मिलाइए और अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, पहले बहुत देर हो चुकी है, अब देर मत करिएगा। राधे राधे। शनि आपके तृतीय भाव में गोचर कर रहे हैं और यहीं पर मार्गी हो जाएंगे। तृतीय भाव पराक्रम का होता है, ताकत का होता है, हमारी बाजुओं का होता है। कोई भी इंसान अपने पराक्रम को, अपनी ताकत को अपनी बाजुओं से दिखाता है। जैसे एक पिक्चर आई थी ना, उसमें सन्नी देओल जो था वो हैंडपम्प को उखाड़ देता है, तो किससे उखाड़ता है? अपने बाजुओं से। और ढाई किलो का ये मुक्का पड़ता है तो आदमी हिल जाता है, यानी क्या दिखाता है? बाजू, बाजू यानी पराक्रम। शनिदेव द्वितीय और तृतीय भाव के स्वामी हैं, यानी सेकेंड हाउस और थर्ड हाउस के स्वामी हैं। तो आपकी जो कड़ी मेहनत है, आपकी जो बाजुओं का बल है ना, वो आपको सफलता दिलाएगी। आपकी सोच बहुत बढ़िया होगी, पॉजिटिव सकारात्मक बढ़िया सोच के मालिक होंगे आप। चाहे नौकरी करते हो
या व्यापार करते हो, आपको सभी का साथ प्राप्त होगा। यानी आपके साथ जो भी लोग काम करते हैं, जूनियर सीनियर कलीग छोटे बड़े, उन सबका आपको साथ मिलने वाला है। और जब अपने जूनियर और सीनियर का साथ हो तो फिर भैया बहुत अच्छा गाड़ी चलती है। आप योजनाएं बनाएंगे, आप बढ़िया 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 प्लानिंग्स बनाएंगे, और आपकी प्लानिंग्स जो हैं वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देंगी, वो आपको सफल बना देंगी। व्यापारी वर्ग की यात्राएं भी सफलता भरी होंगी। जो भी व्यापारी लोग हैं, जो भी बिजनेसमैन हैं, उनकी सफलता भरी यात्राएं होंगी। यात्रा सफल होगी, धनदायक होगी यात्राएं। मार्गी शनि आपको धन देने वाले हैं, कमाने का बढ़िया तरीका बताने वाले हैं, और जो पैसा कमाएंगे उसमें बचत भी होने वाली है। जीवन साथी से रिश्ते बेहतर होंगे, बातचीत के द्वारा आप जिंदगी की जो कहते हैं ना लड़ाइयां हैं, जिंदगी के जो अनसुलझे रहस्य हैं, उनको सुलझा लेंगे बातचीत के माध्यम से। आपके लिए पैसा कमाना अब उतना मुश्किल नहीं रहेगा जितना पहले मुश्किल हो रहा था। जीवन साथी के साथ प्यार भरी बातें होंगी, बातचीत से रिश्ते सुधरेंगे, आपकी सोच पॉजिटिव होगी, सेहत बढ़िया होगी। आप शत्रु पर भारी पड़ेंगे, आप मुसीबतों पर भारी पड़ेंगे, भाइयों की सहायता प्राप्त होगी। शनि आपको धन देने के लिए तैयार बैठे हैं, आपका मकान वाहन भी बनेगा। शनि संबंधी काम आपके बेहतर चलने वाले हैं, आपको प्रॉफिट होने वाला है, आपको लाभ प्राप्त होगा। आप अपने माता पिता के दिए हुए धन को साइड में रखकर अपनी मेहनत से खूब पैसा कमाएंगे और आगे बढ़ते चले जाएंगे। यानी आप किसी पर डिपेंड नहीं रहने वाले हैं। शनिदेव आपको विदेश से भी संबंध जोड़ देंगे। कुत्ते की सेवा करना यानी डॉग को खिलाना पिलाना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। शराब और मांसाहार से जितना दूर रहेंगे उतना आप अच्छे रहेंगे। गणेश जी की उपासना करिए। शनि यहाँ पर बैठते हैं तो आप ये समझ लीजिए इस स्थान की वृद्धि करेंगे, यानी थर्ड हाउस की वृद्धि करेंगे। तो शनिदेव आपके पराक्रम के माध्यम से, आपके बाहुबल के माध्यम से, आपकी सफल प्लानिंग की वजह से आपको रिजल्ट बहुत बढ़िया देने वाले हैं। आपका पुरुषार्थ बढ़ने वाला है, यानी आपकी ताकत बढ़ने वाली है, हिम्मत बढ़ने वाली है। आप गर्म जोशी के साथ आप काम करेंगे, नए नए एग्रीमेंट आप साइन करेंगे, नए नए प्रोजेक्ट पे आप काम करेंगे, संतान से जुड़ी हुई परेशानियां दूर हो जाएंगी, प्रेम संबंध में जो तनाव था, जो टेंशन थी, वो खत्म होने वाली है, दोस्ती यारी भी बहुत अच्छी चलने वाली है आपकी। शनि नवम भाव को भी देखेंगे तो शनि नवम भाव को देखेंगे तो आपकी जो किस्मत जो आपके काम में रोड़े अटका रही थी, अब किस्मत आपकी थोड़ी सी बेहतर हो जाएगी। भाग्य का साथ मिलेगा, पहले से अधिक भाग्य का सपोर्ट मिलेगा, किस्मत थोड़ी सी ज़्यादा मेहरबान हो जाएगी, पिता और सीनियर का सपोर्ट मिलेगा, साधु संतों का आशीर्वाद लें। 12वें घर पर भी दृष्टि होगी तो थोड़ी सी आपकी जो नुकसान हो रहे थे उसमें थोड़ी सी कमी आएगी। विदेश आने के मार्ग आपके लिए खुल जाएंगे, ध्यान मेडिटेशन से आप बहुत अच्छी सफलता पा लेंगे, ईश्वर प्राप्ति का मार्ग खुलेगा। विदेश जाने में अगर आपकी कोई रुकावटें थी ना, वो रुकावटें कम हो जाएंगी, आपका करियर विदेश में सेट हो सकता है। कोर्ट कचहरी अस्पताल के जो मामले हैं ना, वो जहाँ पर कोर्ट कचहरी अस्पताल में जो आपके खर्चे हो रहे थे वो उनमें भी कमी आएगी, और कुल मिलाकर आपके लिए ये जो समय है, शनि का ये जो मार्गी होना है, वो आपके लिए एक गुड न्यूज़ लेकर आ रहा है। तो बहुत ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जन्म कुंडली में जब तक सितारे मजबूत नहीं होंगे तब तक आपको चिंता करनी चाहिए। तो अपनी जन्म कुंडली की जांच कराने के लिए दिए गए नंबर पर संपर्क जरूर करें। राधे राधे।